इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। प्रदेश भर में एक्सीडेंट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। दुर्घटनाओं के कारण जनहानि भी एक विकराल रूप ले रही है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर की कई सामाजिक संस्था द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज अन्नपूर्णा स्थित चाणक्यपुरी चौराहे पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन एवं गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट द्वारा किए गए इस आयोजन में इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी, डीसीपी एवं एसीपी यातायात इंदौर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल एवं इंदौर आरटीओ प्रदीप शर्मा, वार्ड 79 के पार्षद अभिषेक बबलू शर्मा एवं वार्ड 80 के पार्षद प्रशांत बड़वे मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष सलीम शेख ने बताया कि इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए संस्था द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी इस तरह के आयोजन संस्था द्वारा किए जाएंगे। गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में हेलमेट वितरण, यातायात सुरक्षा व हेलमेट की जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। हम अपने परिवार को, हम अपने स्वयं को, सबको प्रेरित करेंगे तो पहनेंगे। लेकिन बस कहीं भी खराब, जैसे मैंने बोला, घूम कहीं भी आ, लेकिन आग लगनी चाहिए तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही। साइड में जाओ दादा, साइड में जाओ थोड़ा सा। आप लोग आए, बोली तो बड़ा साजिब हो रहा है, संख्या में लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। आज लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं नहीं जाता तो लोग। ये हमारा मानव अधिकार संगठन है, मानव हित पे काम करता है और साथ में पुलिस की सहभागिता के साथ हम पुलिस के पार्टनर बन गए। हम समय समय में रोड सेफ्टी के लिए अभियान चलाते हैं। इसे भी जनवरी माह में इंदौर नगर निगम और दैनिक भास्कर और सांसद महोदय की अपील भी हमने रेड सिग्नल ऑन इंजन ऑफ मुहिम चलाई थी, जो 15 दिन तक हमने चलाई थी। जो एयर इंडिया से जो 280 था वो 125 पर आ गया था। ये ऐसे भी ये प्रोग्राम आगे हम चलाते रहेंगे। और अभी हमने नशा अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति दिवस के अवसर पर भी नशा मुक्ति दिवस है, अपने इंदौर के विभिन्न चौराहों पे विजयनगर से लेके चाणकपुरी, मऊनाका, परासिया, रिगल चौराहा, मऊनाका, भौरकुआ में हमने नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं। उसको जनता ने शपथ भी ली है, प्रतिसाद भी अच्छा मिला है। और आज इसी तारतम में हमने आज गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट और मानव अधिकार संगठन मिलकर आज हेलमेट वितरण और ट्रैफिक सुरक्षा अभियान चलाए हैं। इसमें जनता ने अच्छा सहयोग मिला और आज ये हमें 200 हेलमेट की बुकिंग हो गई है। जो महाकाल सेवा समिति के अजय गोयल जी है और इंदौर उज्जैन पीतम्बू के उद्योगपति सुधीर अग्रवाल जी, उन्होंने भी 151 हेलमेट लेने का वादा किया है। आज के आयोजन का हमारे गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट का संजय अग्रवाल जी का विशेष सहयोग रहा है और मानव अधिकार संगठन इसमें सहभागी रहे और यातायात विभाग इंदौर का भी तब से हमको अच्छा सपोर्ट सहयोग मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ यातायात विभाग टीम का। ये हेलमेट पहनने के जन जागरण को लेकर आज ये तीनों संस्थाओं ने एक बहुत पुण्य का काम किया है और जन जागरण के माध्यम से सबको ये आगाह कर रहे हैं हेलमेट पहनना आवश्यक है। पूरे देश में अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो रहते हैं वो टू व्हीलर में बताए जाते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए बताए जाते हैं। और ये भी बताए, सर्वे बता रहा है कि युवाओं की हेड इंजरी कारण होता है। तो अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा मौतों से बचना है तो हेड इंजरी से बचना पड़ेगा युवाओं को खास करके, और उसके लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है। मैं तीनों संस्था के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, उन्होंने आज जन जागरण किया, अधिकारी भी थे और हेलमेट निःशुल्क वितरण किया। 100 से ज़्यादा हेलमेट वो आज वितरण कर रहे हैं। ये एक इंदौर में उन्होंने पहले